बाड़मेर के बाजारों को बेहद कम समय के लिए खोलने के कारण 11 बजे तक बाजारों में भारी भीड़ लग जाती है। पल पल लगते जाम के कारण वाहन चालक घंटों तक इस जाम में फंस जाते हैं। मुख्यतः ये समस्या शहर के अहिंसा सर्किल से नेशनल हैंडलूम तक और सदर बाजार स्थित वीर बालाजी मंदिर से ढाणी बाजार तक रहती है। हालात इस कदर हो जाते हैं कि हर चंद मिनटों में लंबा जाम लग जाता है। पल पल लगते जाम के बाद भी जिम्मेदार चालान काटने में व्यस्त हैं और यातायात व्यवस्था राम भरोसे है। राज्य के 22 जिलों में दो दिन पूर्व हुए अनलॉक के बाद सरहदी बाड़मेर शहर में भीड़ सड़कों पर उमड़ी नजर आ रही है। सरकार द्वारा अनलॉक को भी कोविड-19 की मेडिकल गाइडलाइन की पालना और भीड़ नहीं करने के आदेश तो हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा जून महीने तक लागू की गई धारा 144 और राजस्थान महामारी अधिनियम की सरेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। शहर में यातायात प्रभारी डिम्पल कंवर की अगुवाई में पुलिसकर्मी मुख्य चौराहों पर चालान काटने में व्यस्त नजर आते हैं तो अहिंसा सर्किल से नेशनल हैंडलूम तक लोगों का हुजूम कोरोना की महामारी को साफ तौर पर न्योता देता नजर आता है। लोग न तो सोशल डिस्टेंस की पालना करते नजर आ रहे हैं और न ही लोग कोरोना के कोई भय में नजर आ रहे हैं। यही हाल गांधी चौक से हनुमान जी के मंदिर और सदर बाजार में नजर आता है। शहर में पुलिस का बाजारों के आलम है कि ध्यान नहीं देना यकीनन कभी भी कोरोना के बड़े ब्लास्ट का कारण बन सकता है। बहरहाल अहिंसा सर्किल यातायात चौकी के आगे, सिंदरी सर्किल, अंबेडकर सर्किल और किसान छात्रावास के आगे वाहन चालकों के चालान काटने में जुटी यातायात पुलिस को शहर की भीड़ और बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन नजर नहीं आ रहे, जो कि बेहद चिंतनीय है।